मुश्किल नहीं है जो करते रहोगे जतन धीरे धीरे जो करते रहोगे भजन धीरे पड़ती ही नहीं है। जब हम आरती में पंक्ति
सबके स्वामी। तो जब वो अंतर्यामी है तो उसको मेरे मन की, तेरे मन की, सबके मन की मालूम है भाई। हम जब पैदा होते हैं तो अपनी मर्जी से पैदा नहीं होते हैं, वो भेजता है। और हम मरते हैं तो अपनी मर्जी से नहीं मरते हैं, वो मारता है। पैदा अपनी, जन्म अपनी मर्जी से नहीं, मृत्यु अपनी मर्जी से नहीं, तो बीच की जिंदगी अपनी मर्जी से कैसे चलेगी, कैसे चलेगी बताइए। न दुनिया में आना हमारी मर्जी चली, न जाना हमारी मर्जी चली, तो यहाँ भी नहीं चलेगी, उसी की चलेगी। जय हो। बस ये जरूर है कि हाथ जोड़ के कहना, प्रभु दुख आएगा मैं जानता हूँ, लेकिन तुम मुझे उस दुख को सहने के काबिल बना देना। दुख तो प्रहलाद के जीवन में भी आया, मीरा के जीवन में भी आया, ध्रुव के जीवन में, किसके जीवन में नहीं आया, भगवान के जीवन में आया। कोई सांप तार उठा के देख ले तो हम तुम कैसे बचे रहेंगे। बस दुख में भजन को मत छोड़ो, वो जो कली मुरझा गई है ना मन की, वो भजन से खिल जाएगी। आप दुख में भी भजन करोगे, आनंद लो। हमारे बस की बात नहीं थी ना, 2 साल हम नहीं बैठ पाए कोरोना को, अपने घर में बैठ के सबने भजन करे। कोई कुछ कर सकता था, बड़ी बड़ी शक्तियां धरी की धरी रह गई सब। एक गरीब व्यक्ति अपनी झोपड़ी में और अमेरिका का राष्ट्रपति अपने महल में, सब बंद। इसको कहते हैं भगवान का इंसाफ। हम कहते हैं भगवान बराबर नहीं करते सबको, वो सबको बराबर करते हैं। पास आने पर डुबो ही डाले, ऐसे भी कुछ किनारे देखे। ज्यादा नजदीक जाके पता चला कि जुगनू है सूरज नहीं। पास जाने पर डुबो ही डाले, ऐसे भी कुछ किनारे देखे हैं। और बातों बातों में बात बन जाती है, ऐसे ऐसे प्रभु के इशारे देखे हैं। और सूखी देखी नहीं जाती, गुरुदेव उनकी आंखें, जो भी बंदे हमने तुम्हारे देखे।
बंद कर लेना जब मैं कहूँ और जो मैं गा रही हूँ धीरे धीरे गाना और साथ में एक कार्य करना जो नाक से सांस अंदर जा रही है ना नाक से फिर गले से और फिर यहाँ तक और फिर फेफड़ों तक देखना वो सांस कहाँ तक जा रही है और फिर कहाँ से वापस लौट करके आ रही है। अगर आपने उसको पकड़ लिया तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं लोग जो कहते हैं ना तुम्हारे भीतर ही भगवान है वही भगवान है। शरीर वही होता है बस वो जो ये सांस आ रही है और जा रही है इसको कहते हैं प्राण वायु। प्राण वायु हमको क्या कहा जाता है प्राणी मृत्यु लोक के प्राणी प्राणी के प्राण हम उस प्राण के प्राणी हैं। यानी कि जैसे हाथरस के हाथरसी मुरादाबाद के मुरादाबादी गाजियाबाद के गाजियाबादी वृंदावन के वृंदावनवासी ऐसे ही प्राण के प्राणी वो प्राण है हम उसके प्राणी हैं। वो अंदर जाता है आता जाता रहता है और जिस दिन कहता है चलो खत्म तो खिलौना खत्म बंद हो जाता है। ऐसा क्या होता है हमने देखा ऐसे बैठा बैठा व्यक्ति अभी बोल रहे हैं अभी गर्दन लुढ़क गई नीचे कोई नहीं जानता भाई कब लुढ़क जाएगी गर्दन। उससे पहले कुछ ऐसा सामान इकट्ठा कर लो यहाँ के लिए जरूरी है पर कुछ तो ऐसा भी हो जो वहां ले जाकर के प्रभु को मुंह दिखा सके। हम जरा मीठी मीठी ताली बजा करके और मैंने कहा अपने अंदर जाती हुई सांस को महसूस करना केवल दो मिनट तक और इस भजन को मन ही मन में गुनगुनाना आपके दिमाग में भजन रहे चाहे बोलना मत सांस को महसूस करना आंख भी बंद कर लो मुख को भी बंद कर लो सांस को जाने दो अंदर और भजन की लाइन सुनो। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे जो करते रामानंदाचार्य जी को जब उनके गुरुदेव ने मंत्र दिया बुली से एक नाम से कल्याण हो जाता है। बोला हाँ लेकिन हर किसी को नहीं देना ये केवल कान में बताना होता है किसी को मत बताना नहीं तो पाप लगेगा। जब तक तुम गुरु बनने के काबिल ना हो जाओ तब तक मत बताना। रामानंदाचार्य जी तो मंदिर के ऊपर चढ़ गए और सबसे ऊंची चोटी पे चढ़ करके बोले आ जाओ गांव वालों सब आ जाओ मैंने कल्याण मार्ग का नाम खोज लिया मुझे मिल गया है और वो क्या था ओम नमो नारायण। जोर जोर से वो बोले बोले ओम नमो नारायण बोलो ओम नमो नारायण। ये कल्याण का मंत्र मैंने नहीं कहा रामानंदाचार्य जी ने कहा है। जो कबीर दास जी के गुरु थे रैदास जी के गुरु थे कितने बड़े संत महात्मा थे दोनों हाथ उठा के कहिए ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण जय जय नारायण नारायण हरि हरि जय नारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण
भोजन अंदर जाता है जिससे मकान चलता है। संसार में भी यही भवन है जो खुद से चलता है। और इस जीव की देहरी पर जो भगवान का नाम रख दिया जाएगा ना, तो कुछ ऐसे ही रखा जाता है जैसे दिवाली पर दरवाजे के बाहर दीपक रंगोली बनाते हो ना, लक्ष्मी जी अंदर आएंगी, तो जीव पर भगवान का नाम रखो, लक्ष्मी जी अपने आप अंदर आएंगे, भगवान भी आएंगे। हरिओम नमो नारायण, नमो नारायण, हाथ उठा करके हरिओम नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण, हरिओम नमो नारायण, नमो नारायण, हरिओम नमो नारायण, नमो नारायण, हरिओम नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण, संत क्या उपहार दे के गए थे। बोले तू अजामिल, बोले मैं नहीं कुछ भी तुमसे, ना मुझे चाहिए ना मेरे से कुछ मांगना। बोले दक्षिणा दे दे। बोले तुमको जिंदा छोड़ रहा हूं ना, यही दक्षिणा है, इतना दुष्ट। लेकिन संत की दृष्टि पड़ गई, बोले इसका कल्याण करना है, तो बोले एक चीज दे दे दक्षिणा में। क्या? बोले तेरे कोई बालक हो ना, उसका नाम नारायण रख दिया। बोले ठीक है रख देंगे, वैसे मैं भगवान का नाम लूंगा नहीं। बोले ठीक है, बच्चे का तो लेगा। अब सवेरे सुबह दोपहर शाम रात नारायण नारायण, नारायणी धरा नारायणी धरा नारायणी धरा, नारायण रोटी ला रोटी खा नारायण ना। पहले के जमाने में लोग अपने बच्चों के नाम भगवान के नाम पे इसीलिए रखा करते थे। किसी का नाम श्याम सुंदर है, अरे ओ श्यामा, ओ श्याम सुंदर, कि मुख से निकले तो भगवान का नाम कैसे तो निकले। अब तो पप्पू टीकू टोनी छोनी पता नहीं क्या बच्चों के नाम है। क्या पाया हमने इससे? नए नाम रखने हैं तो भी आप